अगर आप भी रियलमी का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको इन फ्यूचर में ऐसी स्क्रीन जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना देखने पे कि ये स्क्रीन टूट चुकी है, तो ऐसी प्रॉब्लम को ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। देखिए मेरे फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम हमको दिखने लग गई है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको पूरा इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को जो है दूर करना है। ठीक है, आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, ये जो स्क्रीन की जो ये टूटी स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना, ये एक्चुअली में टूटी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ टच का जो है मतलब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का कोई बग है ये। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या होगा। आपको सिंपली पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हो कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस को हार्ड रिस्टार्ट कर लेना है, पावर वाली बटन एंड वॉल्यूम अप वाली बटन को सेम टाइम में प्रेस करना है थोड़े से यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, ताकि आपका डिवाइस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से रीस्टार्ट हो जाए, जो कि हार्ड रीस्टार्ट है। ठीक है, तो जैसे आप इस को करेंगे यहाँ पे, तो आपका डिवाइस यहाँ पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाएगा और जो फ्रैक्चुलेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें बग्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो बग्स कहीं ना कहीं से एंटर कर जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा लग जाता है कि हाँ भाई मेरे स्क्रीन के साथ बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे इशू हो गया है, बहुत अब मुझे जो है सर्विस सेंटर जाना चाहिए। तो बिल्कुल भाई आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके फिजिकल पार्ट में प्रॉब्लम है तो मे बी उसके लिए आप जो है आपको विजिट करना पड़ सकता है भाई सर्विस सेंटर, उसके लिए ज़रूर से अगर आपका ये प्रॉब्लम ऐसा करके सॉर्ट आउट नहीं होता है तो बिल्कुल उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं सर्विस सेंटर पर। ठीक है, और सर्विस सेंटर विजिट करने के बाद जो है आप इस प्रॉब्लम का बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से आपका वहां पे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो कि यहाँ पे जो है फ़ोन जो रियलमी के ये डिवाइस है इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको इशू आ रहा है, मतलब यहाँ पे टच को लेकर, ठीक है, जो स्क्रीन डैमेज है, इस स्क्रीन डैमेज को यहाँ पे ठीक करने के लिए बिल्कुल आप इसको ठीक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने ही जो स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही थी इस प्रॉब्लम को दूर किया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं भाई इस तरीके से जो है आप अपने डिवाइस में एक अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे जो है दूर आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अभी देख सकते हैं हमारा डिवाइस टर्न ऑन हो रहा है, रियलमी का जो है लोगो बन के आ चुका है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, और जैसे ही ये वेट खत्म होगा तो ये देख सकते हैं फिलहाल हमारा स्क्रीन का जो ऊपर टूटा वाला भाग था वो ठीक हो चुका है। अब मैं इसको अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको ठीक कर दिया। ठीक है, अभी देख सकते हैं मेरा जो ऊपर का जो पार्ट अभी आपको दिख रहा होगा ना कि स्क्रीन जो ब्रेकली लग रहा था या फिर डैमेज लग रहा था, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। मतलब ये कारण क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का ही इशू होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, बग्स वगैरह एंटर कर जाते हैं गलत तरीके से और कहीं ना कहीं वो आपके डिवाइस पर इम्पैक्ट करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जैसे कि मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम हुआ था, सॉफ्टवेयर का इशू आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इस इशू को हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर ली है, आप इस तरीके से अपने डिवाइस में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।